जय दोस्तों दोस्तों अक्टूबर नवंबर का महीना चल रहा है और ऐसे में सभी डिफेंस पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपने पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को जमा कर रहे हैं ताकि उनकी पेंशन लगातार आती रहे और इसका फायदा उठाकर कई साइबर अपराधी कई डिफेंस पेंशनर्स को ठगने का काम कर रहे हैं और उन्होंने ठगा भी है। वो किस प्रकार से ठगा है मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। और इसके ऊपर भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी किया है अलर्ट करने के लिए उन सभी पेंशनर्स को जिन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना है। ऐसे ही एक ठगी पूर्व सैनिक के साथ में हाल ही में हुई है। उनको जो है एक फोन कॉल आता है, उसमें बताया जाता है कि वो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी से बोल रहे हैं। वो जो है उन पूर्व सैनिक का सब चीज आर्मी नंबर से लेकर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, उनका पीपीओ नंबर, आधार नंबर, सब चीज उनको बताते हैं, उनको जो है अपने भरोसे में ले लेते हैं और उसके बाद जो है एक ओटीपी उनके मोबाइल पर आता है और उसको साझा करने के लिए बोलते हैं ताकि उनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया जा सके। और ऐसे में जो है पूर्व सैनिक ओटीपी को साझा कर देते हैं ताकि जो है उनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाए पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी में और उनकी पेंशन आती रहे। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि उनके अकाउंट से 25,000 रुपए निकाल लिए जाते हैं। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया हो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। यह 14 अक्टूबर 2022 का ऑफिस मेमोरेंडम है। इस पर जो है विषय लिखा गया पेंशन भोगियों के धोखाधड़ी कॉल से सावधान रहने के संदर्भ में। इस कार्यालय के संज्ञान में आया है कि साइबर अपराधी पेंशन भोगियों के जीवन प्रमाण पत्र को अपडेट करने के लिए उन्हें फोन कॉल करते हैं तथा इसके लिए साइबर अपराधी पेंशन भोगी का ब्यौरा जैसा कि नियुक्ति की तारीख, सेवानिवृत्ति की तारीख, पीपीओ नंबर, आधार नंबर, ईमेल पता, मासिक पेंशन, नामांकित आदि कहीं से भी प्राप्त करके पेंशनर को यह विश्वास दिलाते हैं कि वो पेंशन विभाग से कॉल कर रहे हैं और पेंशन भोगियों से अपने जीवन प्रमाण को अपडेट करने के लिए ओटीपी साझा करते हैं। एक बार जब ये पेंशन भोगी से ओटीपी प्राप्त कर लेते हैं तो साइबर अपराधी धोखे से उनके बैंक खातों तक सीधे पहुंच जाते हैं और पेंशन भोगियों के खाते से राशि को धोखाधड़ी के जरिए स्थानांतरित कर देते हैं। इस संबंध में पेंशन भोगियों को धोखाधड़ी से सावधान रहने के लिए अलर्ट करते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस मेमोरेंडम में लिखा है कि पेंशन अकाउंट ऑफिस इस प्रकार से किसी भी पेंशन भोगी से ओटीपी शेयर करने के लिए नहीं कहता है, इसलिए जो है आप सावधान रहें और किसी के साथ भी लाइफ सर्टिफिकेट के नाम पर ओटीपी शेयर ना करें। इसके अलावा पेंशन भोगी अपने अन्य विवरण भी किसी के साथ शेयर ना करें। तो दोस्तों आप सभी ने इस प्रकार की धोखाधड़ी से बचना है। अपना लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए या तो आपने बैंक में जाना है या ऑथराइज्ड कॉमन सर्विस सेंटर में जाना है या फिर आप मोबाइल के माध्यम से भी जीवन प्रमाण ऐप से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सेफ तरीके से दे सकते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट किस प्रकार से देना है इन सब पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल में उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों सजग रहिए, सावधान रहिए और भी जो हमारे पेंशनर भाई हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको इस प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में पता लग सके। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।